चेन्नई की सहेली को कुरियर करने वाली महिला को अज्ञात आरोपी ने फोन कर कुरियर प्रोसेसर करने के बारे में बातचीत की और साथ ही कहा कि ₹5 एक लिंक पर भेजकर ट्रांसफर कर दीजिए। जब महिला ने ₹5 ट्रांसफर किए तो उसके बैंक खाते से करीब 1,70,229 की रकम गायब हो गई। महिला ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। उसने पुलिस को बताया कि गत 15 से 16 अप्रैल के दरमियान उन्होंने चेन्नई में रहने वाली सहेली को एक कुरियर द्वारा कुछ सामान भेजा था। इसके लिए उन्हें कई बार एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आ रहा था। उसने भाग्यश्री से कहा कि कुरियर की प्रोसेसर के लिए उन्हें फोन किया जा रहा है। भाग्यश्री ने फोन उठाया तो उन्हें कुरियर प्रोसेस पूर्ण होने की जानकारी दी गई। फोन करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने भाग्यश्री को ₹5 उसके मोबाइल नंबर पर ट्रांसफर करने का झांसा देकर एक लिंक भेजी। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद भाग्यश्री के बैंक खाते से 1,70,229 की रकम गायब हो गई। उसके पश्चात उस अज्ञात फोन नंबर वाले व्यक्ति से जब संपर्क नहीं हो पाया तब उन्होंने सक्करदरा थाने में शिकायत की। थाने की महिला सहायक पुलिस निरीक्षक वाघाड़ी ने धारा 420 व सहधारा 66C, 66D के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें एक जिनकी पसंद को ये महिला है, अच्छी पढ़ी लिखी है, चेन्नई में वो जॉब करती थी वेटरनरी विभाग में। उसके बाद उनकी शादी तय हुई, प्रॉपर नागपुर की है। शादी तय होने से वो नागपुर में आई और नागपुर में आने के बाद उन्होंने उनकी फ्रेंड के लिए कुछ शादी की मिठाइयाँ वगैरह भेजने का स्पीड पोस्ट के द्वारा उन्होंने वो प्रोसीजर किया। उनको एक कॉल आया फोन से कि आपका पार्सल सेंड नहीं हो रहा है, तो आप हमारे अकाउंट पे ₹5 भेज दीजिए तो वो आसानी हो जाएंगी। तो उन्होंने पहले उनको डाउट आया, मना कर दिए। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने वो लिंक पे जाके ₹5 सेंड करने की कोशिश की और उसी द्वारा उनके लगभग 1,70,000 निकाले गए हैं कुछ फेक लिंक भेज के। इसी प्रकार फसवणूक उनकी हुई है, उसमें गुनाह दाखिल है चक्करदरा पुलिस स्टेशन में। 420 आईटी एक्ट का 66C और 66D के अनुसार तपास चालू है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।